दोस्तों, ये बात अपने आप में कितनी रोचक है कि अगर धरती पर समुद्र नहीं होता तो शायद दुनिया भर के देश आज एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश समुद्री यात्राओं के दौरान ही खोजे गए हैं। समुद्र हमेशा से ही दुनिया के लिए रहस्यों और रोमांच से भरपूर रहा है, जो आज धरती का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम के साथ ही साथ ये समुद्र आज पूरी दुनिया के ट्रेड का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। यानी अगर समुद्र नहीं होता तो शायद हमारे पास इतना बड़ा ग्लोबल ट्रेड भी नहीं होता। अब जब इतने बड़े हिस्से पर पानी ही है और ये पानी इतना जरूरी है कि समंदर किनारे बसे हुए देशों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है, इसीलिए समंदर के रास्ते आने वाले खतरों से निपटने के लिए ही हर एक देश के पास अपनी समुद्री सेना या नेवी होती है, और साथ ही समंदर के रास्ते ही यात्राओं और व्यापारों के लिए मर्चेंट नेवी होती है। और अब यही बात आती है कि आखिर नेवी और मर्चेंट नेवी में अंतर क्या होता है, जिसे आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आइए इन दोनों की हिस्ट्री को समझते हैं। भारतीय सेना के तीन भाग हैं, जिसमें थल, जल और वायु सेना है। थल सेना का काम जमीन पर देश की सुरक्षा करना, वायु सेना का काम आसमान से देश की सुरक्षा करना, और जल सेना का काम समुद्री रास्तों से आने वाले खतरों से निपटना है। भारतीय नौसेना विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। सबसे पहले ये 1612 में बनी, लेकिन 1950 में इसका दोबारा गठन किया गया। इसके बाद भारतीय नौसेना का नाम इंडियन नेवी पड़ा। इस समय इसके पास करीब 290 से ज्यादा जहाज हैं, और इसका कमांडर इन चीफ देश का राष्ट्रपति होता है, जबकि मर्चेंट नेवी किसी देश में रजिस्टर्ड व्यापारिक जहाजों का बेड़ा होता है, जिसका काम देश के लिए इंटरनेशनल बिजनेस करना होता है। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश मर्चेंट शिपिंग बेड़े को किंग जॉर्ज फिफ्थ ने मर्चेंट नेवी का खिताब दिया। उसके बाद बाकी देशों ने भी इसे अपना लिया, नेवी और मर्चेंट नेवी। लोगों में नेवी और मर्चेंट नेवी को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन बनता भी है क्योंकि दोनों में ही समुद्री जहाजों से काम होता है, दोनों का पहनावा भी लगभग एक जैसा होता है। तो आइए हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहली बात नेवी की, तो आपको बता दें, नौसेना का काम जल के रास्ते आने वाले खतरों से देश की रक्षा करना, दुश्मनों पर हमला करना व अपने देश की समुद्री सीमा की निगरानी करना है। वहीं मर्चेंट नेवी यानी कि व्यापारिक नौसेना का काम समंदर के रास्ते सामानों और यात्रियों को लाना ले जाना होता है। इसके एक और डिफरेंस की बात करें तो नेवी जहाँ सरकार का एक डिपार्टमेंट होती है, वहीं मर्चेंट नेवी सरकार के डिपार्टमेंट के साथ साथ किसी प्राइवेट कंपनी की भी हो सकती है। बता दें कि ज्यादातर मर्चेंट नेवी प्राइवेट कंपनियों की ही होती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंडियन नेवी का काम समुद्री जहाजों की मदद से देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है, जबकि मर्चेंट नेवी का काम समुद्री जहाजों की मदद से सामानों और यात्रियों को एक देश से दूसरे देशों में पहुँचाना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्र के किनारे से भारत 12 नॉटिकल मील यानी कि करीब 22 किलोमीटर तक समुद्र में भारत को सारे अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के घुसने पर नेवी हमला कर सकती है। 24 नॉटिकल मील यानी लगभग 45 किलोमीटर तक घुसने पर आपको भारत को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर तक देश का अधिकार तो है, लेकिन इस सीमा में घुसने पर ना तो हमला कर सकते हैं ना ही कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। ये काम इंडियन नेवी की मदद से ही होता है। इसका मतलब नेवी देश की समुद्री सीमा के अंदर ही काम करती है, जबकि मर्चेंट नेवी को किसी और देश के साथ बिजनेस करने का इंटरनेशनल परमिट मिला होता है। नेवी के जहाजी बेड़े में सबमरीन, वॉरशिप, पेट्रोल वेसल्स, लैंडशिप टैंक जैसे जहाज होते हैं, जबकि मर्चेंट नेवी के जहाजी बेड़े में ऑयल टैंकर, क्रूज शिप्स, कार्गो शिप, कंटेनर शिप्स जैसे जहाज होते हैं। इंडियन नेवी पूरी तरह से गवर्नमेंट और परमानेंट जॉब है। इसके लिए आपको रहने के लिए सरकारी फ्लैट्स, आपको और आपके परिवार को हेल्थ सर्विसेज, छुट्टी के भी पैसे और 60 साल के बाद रिटायर होने पर पेंशन भी मिलती है, जबकि मर्चेंट नेवी ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां ही चलाती है। इसमें जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पर 6 महीने से 1 साल या इससे ज्यादा की हो सकती है, उसके बाद आपको घर बैठना पड़ेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर ही आप जॉब पर जा पाएंगे। इतना नहीं, आप जॉब से कभी भी किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसमें सैलरी 15K पर मंथ से लेकर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 7 से 8 लाख पर मंथ भी हो सकती है।
जो कि नेवी के कंपैरिजन में कई गुना हो सकती है। हालांकि मर्चेंट नेवी में रिटायर होने की कोई उम्र नहीं है, आप जब तक स्वस्थ हैं काम कर सकते हैं। नेवी में आपको अनुशासन, सम्मान और देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी, जबकि मर्चेंट नेवी में आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे। यहाँ आप एक और बात समझिए, मर्चेंट नेवी में आप जहाज पर अपने परिवार को रख सकते हो, लेकिन नेवी में नहीं। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नेवी में सरकारी एजेंसीज एग्जाम करवाकर हायरिंग करती है, जबकि मर्चेंट नेवी में हायरिंग प्राइवेट कंपनियां करती है। इंडियन नेवी रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, जबकि मर्चेंट नेवी की निगरानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज करती है। ये तो हो गई डिफरेंस की बात। अब यहाँ एक और सवाल बनता है कि नेवी और मर्चेंट नेवी में सिमिलर क्या होता है। तो बता दें कि दोनों में ही देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। दोनों के ड्रेस काफी ज्यादा हद तक एक जैसे होते हैं। दोनों में आपको महीनों तक शिप्स पे रहना पड़ता है। दोनों में आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना पड़ता है। साथ ही दोनों के जहाजों की देखरेख और रखरखाव के लिए पोर्ट्स यानी बंदरगाह होते हैं। तो आपको भी समंदर से प्यार है, देश विदेश घूमने की चाहत है और सफर के रोमांच के साथ पैसा कमाने की इच्छा है, तो देर मत कीजिए, आप भी नेवी में भर्ती होने के लिए मौजूद जानकारी के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अपने सपने को जी भर के जीने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये थी नेवी और मर्चेंट नेवी के बारे में सारी जानकारियाँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।